मेरा नाम पी मल्लिक है, मैं CISF में नौकरी करता हूँ ASI के हैसियत से। मेरा आज से कुछ महीने पहले डायबिटीज़ डायग्नोस किया गया था, जिसके चलते मैं बहुत परेशान था और मैं बहुत से डॉक्टर के पास गए और वह सब डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई आप दवाई खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो मैं दवाई नहीं खाया, मैं सुना हुआ अंग्रेज़ी दवाई खाने से और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मैं YouTube में डॉक्टर AK Rai साहब का ऐड मिला, उसमें मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दिया कि ये क्योर हो सकता है डायबिटीज़ एकदम। तो मैं डॉक्टर साहब का सलाह लेकर मैं दवाई शुरू किया और उनके एडवाइस के मुताबिक मैंने खान पान उसी ढंग से किया हूँ। 7 दिन में मेरा शुगर बहुत कम हो गया और 15 दिन में तो एकदम नॉर्मल में आ गया। तो अभी मैं चूँकि 3 महीना इसका ड्यूरेशन है दवाई चलने का, तो मैं 3 महीना दवाई चलाया। 3 महीना बाद अभी मैं फुल्ली क्योर हो गया और मैं सब कुछ खाता और पहले जैसा खाता था, मिठाई, मटन मीट चिकन सब खाता हूँ। अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ, मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं सबको सलाह देता हूँ जिसका जिसका डायबिटीज़ है, आप डॉक्टर AK Rai साहब से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट कराइए और ठीक हो जाओगे। डायबिटीज़ एकदम ठीक होने वाला बीमारी है। तो आप लोग डॉक्टर साहब से मिलिए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए। मैं पार्वती देवी, मेरा उम्र 37 वर्ष है और मेरा फीवर आया था 4 महीना पहले। तो उस समय दिखाए डॉक्टर के पास, तो मेरा थी बोले शुगर जांच कराइए। शुगर जांच कराए तो मेरा 350 था। तो फिर मेरा दवा भी चलने लगा शुगर का। उसके बाद 1.5-2 महीना के बाद यहाँ पता चला कि डॉक्टर है, वहाँ दिखाइए। तो दिखाए वहाँ, तो मेरा 4 महीना दवा चला तो मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है, ठीक है। अभी 1 महीना से मेरा दवा बंद है और शुगर जांच कराए तो मेरा 100 आया और हम सब चीज़ खा पी रहे हैं और ठीक ठाक हैं। हमको अच्छा महसूस होता है।